हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब जब धरती पर पाप और अन्याय बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सभी इस बात के प्रमाण हैं। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। इनमें से अब तक वे 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना अभी बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब विष्णु जी कल्कि अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और धर्मयुग की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार कब लेंगे, कहां लेंगे, उनका रूप कैसा होगा, उनका वाहन क्या होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद हैं। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब बातों के बारे में बताने वाले हैं। नमस्कार श्रोताओं, द डिवाइन टेल्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए वह अवतार लेते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों की माने तो भगवान राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार से संबंधित एक श्लोक का उल्लेख किया गया है, जो ये दर्शाता है कि कलयुग में भगवान का कल्कि अवतार कब और कहां होगा और उनके पिता कौन होंगे। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण से महात्मन भवने विष्णु यशस् कल्कि प्रादुर्भविष्यति। अर्थात संबल ग्राम में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। ये देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तभी सतयुग प्रारंभ होगा। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार निष्कलंक अवतार के नाम से भी जाना जाएगा। इस अवतार में उनकी माता का नाम सुमति होगा। इनके अलावा उनसे 3 बड़े भाई भी होंगे, जो सुमंत, प्राज्ञ और कवि के नाम से जाने जाएंगे। याज्ञवल्क्य जी उनके पुरोहित और भगवान परशुराम गुरु होंगे। भगवान श्री कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। उनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान ये अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म का राज स्थापित करेंगे। अभी कलयुग का कुछ समय ही बीता है, इसलिए अभी इस अवतार के होने में काफी समय है। अभी तो हम और आप केवल प्रतीक्षा ही कर सकते हैं कि कब कल्कि भगवान इस धरा के उद्धार के लिए जन्म लेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने इस जीवन काल में भगवान कल्कि के दर्शन हो, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छा जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स ऐसी ही और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए। साथ ही लाइक करें हमारा Facebook पेज। आज के लिए इतना ही, अब दीजिए हमें